सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ मनप्रीत सिंह काठपाल। अजीत बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नज़र मारांगे अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। कांग्रेस वल्लों टाइटलर नूं वड्डी जिम्मेवारी, सियासी पारा चढ़िया। प्रकाश सिंह बादल नूं जमानत लैण लई अदालत विच होणा पवेगा पेश, समन जारी। अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा च कीते दो वड्डे ऐलान, कहा व्यापारियों की सुरक्षा हुण साडी जिम्मेवारी। टिकरी तो बाद हुण दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बार्डर तो बैरीकेड हटाने किते शुरू। BSF मामले च श्रोमणी अकाली दल ने कढ़िया विरोध मार्च। हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ होर अहम खबरां। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी वल्लों वीरवार नूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे 37 परमानेंट इनवाइटी दे मैंबरां दे मोहर लगाई गई है। इन्हां विच 1984 सिख विरोधी दंगियां दे मुलजम जगदीश टाइटलर दा नाम भी शामिल किया गया है। दिल्ली कांग्रेस कार्यकारी कमेटी के 87 नाम जनरल सकत्र KC वेणुगोपाल वालों जारी किए गए हैं, जिन्हों में 37 परमानेंट इनवाइटी हैं। जगदीश टाइटलर के नाल नाल साबका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, अजय माकन, जनार्दन द्विवेदी का नाम भी इस विच शामिल किया गया है। इस सूची के जारी होने तो बाद पंजाब विच सियासी पारा एक बार फिर तो चढ़ गया है। विरोधियों के नाल नाल सिख भाईचारे च इसनों लैके खासा रोस नज़र आ रहा है। इस मामले ते जिथे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल चुके, उथे ही आम आदमी पार्टी के आगू जरनैल सिंह अते संसद मैंबर भगवंत मान ने भी इस फैसले की निखेधी की है। इस दे नाल ही भाजपा आगू ने भी इसनू सिख विरोधी दसिया। कांग्रेस पार्टी वालों अज फिर सिखां दे जख्मां नू कुरेदिया गया है। जगदीश टाइटलर जो कि मुख दोषी है दिल्ली विच होए 1984 सिख कतलेआम दा, अज भी सज़ा भुगत रहा है दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर। इहो जे कातल नूं अज कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी वालों, कांग्रेस पार्टी वालों वड्डे अहुदे दे के नवाजिया गया है। इहदा मतलब है कि असी कातल सी, असी कातलों के नाल हाँ ते असी कातलों के नाल रहांगे। जदों कि होना यह चाहिदा सी इहो जे शख्स नूं तुरंत पार्टी तो बर्खास्त कर देना चाहिदा सी, पर कांग्रेस पार्टी इहो जे कातलों नूं टाइम टाइम ते भावें MP दी टिकटां होण, भावें सेंटर दी वड्डी वड्डी मिनिस्ट्रियां होण, इहो जे अहुदे दे के नवाजदी रही है। मैं चेतावनी देना चाहुंदा कांग्रेस पार्टी नूं कि इदां दी जो अपॉइंटमेंट है इहनूं तुरंत रद्द किया जाए, तो इहो जे शख्स नूं, इहो जे कातल नूं पार्टी चों बरखास्त किया जाए। नहीं तो वड्डे पद्धर ते इहदा विरोध चलण नूं तुसीं तैयार रहो, तो शर्म आनी चाहीदी है उह सारे सिखां नूं जो अज भी कांग्रेस का झंडा चक के तुरदे ने। कांग्रेस पार्टी तो इस चीज़ के जवाब लेने चाहिए ने कि भाई इदा के कातलों नूं वड्डे वड्डे अहुदे देण दी तुहाडी किहो जी मजबूरी है। देखो, कांग्रेस बार बार ये काम करती है जो जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। बहुत सी भावनाएं भावन से संगठन जुड़े हुए हैं, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ वगैरह, उनको बड़े बड़े अहदे देकर वो फिर किस मुंह से पंजाब में बात करेंगे कि हम पंजाब को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने 84 के ब्लू स्टार से, 984 के दंगों से कुछ नहीं सीखा। सिर्फ मुँह जबानी दो माफिया मांगी, ऐसे नहीं होता। जख्म बहुत गहरे हैं, उन पर मलम लगाना होगा। कल दिल्ली दी कांग्रेस कमेटी ने अपनी एग्जीक्यूटिव दी लिस्ट जारी की थी, सोनिया गांधी जी दी अप्रूवल नाल जारी की थी, और पूरे देश नूं धक्का लग्या उह लिस्ट देख के जदों उन्होंने देखा कि उस लिस्ट विच जगदीश टाइटलर का नाम है। वह जगदीश टाइटलर जो 1984 दे सिख कतलेआम दा मुख आरोपी सी। कांग्रेस ने इन्ने साल सरकार रहन दे बावजूद कदी इंसाफ नहीं दिता। हुण जदों नरेंद्र मोदी दी अगुवाई च भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ने सिट बना करके 1984 दे दंगाइयां दे दोषियों नूं सजावां देण दा काम शुरू कीता, मुआवजा दे करके सिख भरावां दे जख्मां दे उत्ते मरहम लगाउण दा काम कीता, ऐसे च फिर एक बार कांग्रेस ने अपने खूनी पंजे नूं दिखांदे होए उन्हां जख्मां नूं कुरेदण दा काम कीता, जिदे नाल ना सिर्फ सिख समाज नूं बल्कि समूह पंजाबियों नूं बहुत धक्का लग्या, बहुत दुख होया। मैं पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं और कांग्रेस दे प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं सवाल पुछना चाहुंदा कि उन्हां दा इस विषय ते की स्टैंड है। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਣਗੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ।
पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू दोहरा संविधान केस विच 28 नवंबर नू हुशियारपुर अदालत विच पेश होने के निर्देश दिए गए ने। 28 नवंबर तो पहला प्रकाश सिंह बादल नू कोर्ट के विच पेश होना होगा। इस तो पहला सुखबीर सिंह बादल अते दलजीत सिंह चीमा अदालत के विच पेश होए सन। हुशियारपुर के वधीक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रुपिंदर सिंह ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू श्रोमणी अकाली दल के संविधान की कथित जालशाजी के मामले में तलब किया है। उन्होंने पुत्र सुखबीर सिंह बादल जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं अते पार्टी के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा नू इस केस विच पहला ही जमानत मिल चुकी है। 4 नवंबर 2019 के हुक्मां के तहत शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा की पटीशन से प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल अते दलजीत सिंह चीमा नू तलब किया जाना सी। सुखबीर सिंह बादल ते दलजीत सिंह चीमा पहला पेश हो चुके ने। अदालत के हुक्मां विच यह सिट्टा निकलिया है कि श्रोमणी के हुण प्रकाश सिंह बादल नू 28 नवंबर नू तलब किया जाएगा। कल रुपिंदर सिंह हुणे ACGM की अदालत दे विच सारियां तरहां दे वकील पेश होए ते पहला जज ने किया भी सानू ऑर्डर किया भी तुसी हुण अपनियां गवाहियां बाकी पेश करो। लेकिन BS रियाड साहब जिहड़े कि सीनियर एडवोकेट है उन्होंने इंटरवीन किया, जज साहब तुसी नहीं इदां कर सकते। हाले दो दोषी हाजिर होए आ, तीजा दोषी आया नहीं। प्रकाश सिंह बादल पहले सदो, वो फिर उन्होंने 28 तारीख या उस तो पहला उन्होंने जमानत कराने के ऑर्डर कर दिए। हाँ, 1999 सारिया पार्टिया ने अपनी मानता लैन ले कागज भेजे। प्रकाश सिंह बादल ने इन्होंने जेडे कागज भेजे अपना असली विधान लुको लिया, जाली कागज तैयार करके भेजते इलेक्शन कमीशन। वो सानू पता लग गया, फिर असी हुण फड़ ले आ, इन्हां नू सजावां भी होणगीआं, जेल भी जाणगे। बहुत वड्डा फ्रॉड कई कीते, पर यह एडा वड्डा इलेक्शन कमीशन नू भारत दे लोकां नाल विधान नाल कानून नाल फ्रॉड करना, एक मुख्यमंत्री दे अहुदे दे आदमी नू शोभा ही नहीं सी दिंदा, पर इन्हां ने बड़ा ये जिहड़ा कीता बड़ा कारगुजारी की है। तो की कह सकते हैं भी क्रिमिनल एक्ट आना चल रहा जी। वो तो कई बार दसिया थानू कि एक डाकूमेंट इन्होंने लोंग टाइम बैक दिता सी, जिहड़ा कि इन्होंने लिख के एक अंडरटेकिंग दिती सी कि साड़ी सैकुलर पार्टी है। वो इन्हों का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन से उसके में वर्ड सैकुलर है ना सी, वो इन्होंने अमेंडमेंट लेटर ऑन की तो 89 की गल है, शायद 89 के इन्होंने अंडरटेकिंग देती है। वो लंबी कहानी है, हूँ तो सिर्फ इन्ना है कि उस एविडेंस काफ़ी दिती, इन्हों की समनिंग हो गई। समनिंग तो बाद हाई कोर्ट चले गए, चैलेंज करता समनिंग ऑर्डर। हाई कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर से मोहर लाती कि वह लीगल है। तो वो दो मुलजम जड़े ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ते दलजीत सिंह चीमा, वो पेश होए ने, जमानत कराई है। तो कल केस लगा सी फॉर फाइल नवी आई, हाई कोर्ट तो दोबारा होके फाइल आई, तो जज साहब ने देखा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल हले पेश नहीं होए, तो हुण उन्होंने समन जारी किए ने नैक्सट डेट वास्ते भी वह आ कोर्ट च हाज़र होन ते अपनी जमानत कराउन। डेट 28/11 पई है जी हुण नैक्सट डेट। हाँ जी, तो फिर आउणगे वड्डे बादल साहब, आउणगे जमानत कराउणगे, फिर एविडेंस की डेट पएगी। कोर्ट ने कहा सी वड्डे बादल साहब की उम्र दराज आ गए काफ़ी, नहीं वो इस तरह जी हाई कोर्ट ने कहा सीगा, हाई कोर्ट जो इन्हां दी पटीशन सी वो रद्द हो गई तो इन्हां दे वकील ने कहा जी कि उन्हां दी उम्र ज़्यादा है। हाई कोर्ट ने कहा कि उम्र ज़्यादा तो हर डेट पर नहीं जाएंगे, जिस डेट के उत्ते उन्हां दा जाना अति जरूरी है, कानूनी तौर पर मैंडेटरली रिक्वायर्ड है, उत्थे हो जाएंगे। हुण आ के जमानत करवानी तो कानूनी तौर पर मस्ट है ना जी, वो तो फिर आना ही पएगा, जमानत कराते आना पएगा, उत्थे उम्र का कोई सवाल नहीं। कल चार्ज फ्रेम होएगा फिर भी आना पएगा, कोई उन्होंने कोर्ट ने सवाल पूछने की लोड़ पै गई तो भी आना पएगा, कितने दस्तखतों की लोड़ पै गई तो भी आना पएगा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का अज पंजाब दे विच दौरे का दूसरा दिन सी।
इस दौरान उन्होंने बठिंडा विच व्यापारियों के नाल मीटिंग करते हुए दो वड्डे ऐलान कर दिते हन। उन्होंने कहा कि पंजाब विच आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने तो बाद 1 अप्रैल तो व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हां दी होवेगी। किसी भी व्यापारी नूं डर के व्यापार करन दी लोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनन ते असी अजिही व्यवस्था पैदा कर देवांगे कि भ्रिष्टाचार खत्म हो जाएगा। असी व्यापारियों नूं अपराधियों तो बचावांगे अते भाईचारा बनवावांगे। दूजे ऐलान दे विच केजरीवाल ने कहा असी पंजाबियों नूं ईमानदार सरकार देवांगे, आप सरकार नूं पंजाबियों नूं भ्रिष्टाचार दे जाल तो मुक्त कराएगी। तो सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज़्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ही आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज़्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसोट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे, किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे ये सब। अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है, पुलिस को कौन कहता है? जो टैक्स वाले कहते हैं, इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर SHO भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था, न पार्टी बची थी न नेता बचे थे। भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी, सारे ही भ्रष्टाचारी थे, कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात, सारे ही चोर थे, सारे ही डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाई है, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया, और उसके लिए पूरी व्यवस्था जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं यहां पे, जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, व्यापारियों को इज्जत बख्शी जाएगी। जिस तरह से व्यापारियों को कहते हैं बिचौलिया है, बिचौलिया है, बिचौलिया है, ये बिचौलिया शब्द बंद किया जाएगा। व्यापारी जो है वो 24 घंटे मेहनत करके कमाई करता है। लुधियाना में और जालंधर में जब व्यापारियों से बात करी तो दो बड़ी चीजें निकल के आई जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बिजली का पावर कट बहुत लग रहा है, तो पावर कट बंद करेंगे। दिल्ली में भी पहले बहुत पावर कट लगता था, जैसे पंजाब में अभी स्थिति है वैसे दिल्ली में भी स्थिति थी। पंजाब में पावर की कमी नहीं है, पंजाब पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही। दिल्ली में भी पावर की कमी नहीं थी, बिजली खूब थी, फिर भी बिजली नहीं आती थी। जब हमारी सरकार बनी पहली बार 7-7, 8-8 घंटे के 2014 में पावर कट लगा करते थे।
दिक्कत क्या थी दिल्ली में, मैं समझता हूं पंजाब में भी शायद वही दिक्कत होगी, उसको स्टडी करेंगे। और दिल्ली में क्या दिक्कत थी कि जितनी तारे थी ट्रांसफार्मर थी पुराने हो चुके थे, गल गए थे, जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जब मर्जी कोई तार खराब हो गई। मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, हम दोनों ने मिलकर खड़े होकर ढाई तीन साल के अंदर हमने सारे बदलवाए। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। तो दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही पंजाब के अंदर बिजली देंगे आपको, 24 घंटे बिजली देंगे। टिकरी तो बाद हुण दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बार्डर तो बैरीकेड टिकरी तो बाद हुण दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बार्डर तो बैरीकेड हटाने शुरू कर दिते हन। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद नेड़े गाजीपुर विच किसान अंदोलन वाली थान तो बैरीकेड अते कंडियाली तारा नूं हटाउणा शुरू कर दिता है। केंद्र दे तीन खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों वालों 26 जनवरी नूं दिल्ली विच ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा तो बाद पुलिस ने लोहे सीमेंट दे बैरीकेड अते कंडियाली तारा लगाइया सन। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रियंका कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तो बैरीकेड हटाने का काम शुरू हो गया है। उत्थे ही दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन के बुलारे राकेश टकैत का बयान भी सामने आया है। टकैत ने कहा किसान संसद में जाके हुण फसल वेचणगे। उन्हें कहा कि पहला हुण साडे ट्रैक्टर दिल्ली जाणगे। किसान का बयान भी उस समय आया है जदों सुप्रीम कोर्ट के आदेश उपर सड़क खुलवाउण की चर्चा चल रही है। टकैत ने कहा कि फिलहाल उन्हां दी पुलिस अधिकारियों के नाल कोई भी गलबात जिहड़ी है वह नहीं हुई। गाजीपुर बॉर्डर से भी जो बैरिकेडिंग है पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको हटाया जा रहा है। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। इन रास्तों को लेके कई बार किसानों के संगठनों पर आरोप लग रहे थे कि अभी हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने, ना हमने रास्ते रोक रखे, ठीक है, हम भी दिल्ली चलेंगे अपना ताम झाम लेके। अब जब दिल्ली पुलिस इन रास्तों को साफ कर रही है, इन बैरिकेडिंग इन रास्तों से हटा रही है, आना जाना जिससे कि आना जाना शुरू हो सके, पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुझे फलागर से, मेरठ से या बाहर से चला रहा वो दिल्ली ना गया हो, ठीक है, ना रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे। नहीं तो इसको आप कैसे हार जीत की तरफ से देखते हैं? कैसे देखते कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कह लगे भाई ना रास्तों में वो कर लो, कोई रास्ते, हम रास्ते रोकने वाले लोग है, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, जिन किसान की फसल नहीं बिखरी हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। राकेश जी, ये जो रास्ते रोके गए थे, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसलिए लगाई गई थी कि किसान दिल्ली के अंदर एंट्री ना करें, अब इनको हटाया जा रहा है, तो अब आप जो आगे का जो आप करेंगे प्लान करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, दिल्ली की तरफ जाएंगे आप? प्लान करेंगे, बताएंगे क्या करना है पूरा, सब लोग इकट्ठे होकर जब बताएंगे। केंद्र सरकार वालों BSF नूं पंजाब विच 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर का अधिकार देने दे विरोध विच श्रोमणी अकाली दल ने अज विरोध मार्च कढ़िया। अकाली दल ने वाघा बार्डर तो गोल्डन गेट अमृतसर तक विरोध मार्च कढ़िया। श्रोमणी अकाली दल की तमाम लीडरशिप पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते सीनियर आगू बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अगवाई दे विच वाघा बार्डर तो गोल्डन गेट अमृतसर तक विरोध मार्च कढ़िया गया। इस विच श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार वड्डी गिनती दे विच शामिल होए। अकाली दल का वर्करां दा एक काफिला मोटरसाइकलों ते रवाना होया। इस दौरान उन्होंने केंद्र अते सूबा सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। इलाके दे नौजवान जी जिहड़ा 50 किलोमीटर जी सेंटर सरकार ने BSF दा दायरा वधाया है, ओहदे विरोध विच आज प्रदर्शन हो रहा है। दसना चाहते कि पंजाब की जनता नहीं चाहती सेंटर का दखल। सारी मैनेज करने पंजाब के अधिकारों की गल है,
भाईचारक सांझ की गल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का असी सत्कार करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब बॉर्डर की तैनाती और पंजाब के अधिकारां नाल छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करांगे। फैडरल स्ट्रक्चर बहाल रवे, लोकतंत्र बहाल रवे, इहदे वास्ते जो शहादतां दित्तियां उहदे सत्कार वजो अज बॉर्डर तो शुरू करते हुए इंडिया गेट होंदे हुए गोल्डन गेट तक एक मैसेज पहुंचाउण दा काम कर रहे। चन्नी प्लस कैप्टन ये रले आ। देखो BSF नूं पहला जेलां दे दित्तियां ते पंजाब दे अधिकारां ते डाका नहीं की, पंजाब पुलिस ते भरोसा नहीं रह गया। जे पंजाब पुलिस ते भरोसा नहीं रह गया फिर डिसबैंडल कर दो ते होम मिनिस्टर केस काम लई रह गया। फिर इंटरनल सिक्योरिटी सूबे का मुद्दा है, सूबे ने आपकी इंटरनल सिक्योरिटी वेखनी है सूबे दियाँ। हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट बॉर्डर से तैनात रहे, आपका काम करे, असी सत्कार करते हैं। सहकारी सुसायटी शुतराणा की प्रधानगी चोन समय स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जदों श्रोमणी अकाली दल वालों प्रधानगी के दावेदार राज सिंह चब्बर नूं गिरफ़्तार करन दे लई थाना पात्रा की पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस वालों की गई कार्रवाई का श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पिंड वासियों वालों वड्डे पद्धर से विरोध किए जाने मगरों राज सिंह चब्बर ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया, जिस मगरों श्रोमणी अकाली दल ने कोपरेटिव सुसायटी शुतराणा काबज हुंदिया सतनाम सिंह नूं प्रधान चुन लिया। चोन प्रक्रिया दौरान की गई पुलिस कार्रवाई नूं अकाली दल ने कांग्रेस की धक्केशाही करार दिता। खिलाफ एक मुकदमा दर्ज 14/2/2021 का एक मुकदमा दर्ज है, 353, 186, 148, 149, 188 है। उस मुकदमे यू नामजद किया हुआ सी, उस मुकदमे गिरफ्तार किया, कोई होर कोई इशू नहीं गा किसी किस्म का। हाँ फिर इस संबंधी वक्त कई बार जो उन्होंने घर भी रेड किए गए नहीं मिले गा, तो अज सू इनफॉर्मेशन थोड़ी मिली भी उत्थे वोट पाउन जरूर आऊगा जी, तो असी उन्होंने काबू कर लिया मुकदमा कानून आपके अधिकारों की वरतों करते हुए उस मसले किया। हाँ और कोई इशू नहीं किसी दूसरे चोड़ा नहीं जोड़ा जा सकता इनू, असी उन्हें जो क्राइम किया संबंध में उन्होंने अरैसट किया। सेवा दे पुंज कार सेवा संत पूरी वालियां दे डेरे उत्ते सालाना बरसी समागम श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाया गया। इस समागम दे विच वक्-वक् सिख जथेबंदियां, वक्-वक् सिख संप्रदावां अते निहंग सिख जथेबंदियां भी हाजिर हुईयां। उत्थे ही पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होया बाबा कश्मीर सिंह पूरी वालियां ने दस्या ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा जैमल सिंह, संत बाबा गुरदयाल सिंह अते संत बाबा नामदान सिंह जी पूरी वाले दी बरसी मनाई जा रही है, जिस विच वड्डी गिनती दे विच संगतां नतमस्तक हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कर रही ने। सेवा दे पुंज ते नाम दे रसीए गुरु घर दे सेवादार श्रीमान संत बाबा पूरी वालियां दी, संत बाबा गुरदयाल सिंह जी, संत बाबा नामदान सिंह जी पूरी वालियां दी सालाना याद पावन स्थान डेरा कार सेवा निर्मले तपोवन तरन तरन रोड अमृतसर साहब विखे अज बड़ी श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाई गई बरसी समागम। सारे तरन तरन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सत्र छाया हेठ आरंभ होए ते सतगुरां की कृपा दे नाल ही संपूर्ण होए। इन्हां गुरमत समागमां दे विच साढ़े माणयोग सत्कारयोग सिंह साहिबाना ने दर्शन दिते, हाजरियां लवाईयां, कथा प्रवचना दे नाल संगतां नूं निहाल कीता। उत्थे निर्मल भेख दे श्री महंत रेशम सिंह जी निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल तों जो ने ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
सारे पहुँचे आए दर्शन देने वाले सिंह साहबान निर्मले महापुरख तो सारिया संगतों का बहुत बहुत करके धन्यवाद करता तो सारियां नूं जी आया आखदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब सरकार वालों पिछले लंबे समय तो तनखा कमीशन मुलाजमान दियां होर जमहूरी मंगां नूं लैके अख्तियार किए गए गैर कानूनी संजीदा रवैये तो सताए मुलाजमान ने अज श्री मुक्तसर साहिब के बाजारों के रोस मार्च कढ़िया। यह रोस मार्च के दौरान मुलाजमान के हाथों के वित्त मंत्री मुर्दाबाद वाला पोस्टर फड़िया होया सी। रोस रैली की अगवाई कर रहे पंजाब राज मिनिस्ट्रियल सर्विसिज यूनियन के जिला प्रधान खुशकरणजीत सिंह वरिंदर टोसीवाल ने दसिया मिनिस्ट्रियल कामे पिछले लंबे समय तो अपनी मंगों की पूर्ति के लिए सरकार कई बार मंग पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने दसिया कि 2016 तो मिलन वाला तनखा कमीशन सरकार वालों सही ढंग न लागू करने की बजाय गलत ढंग न लागू किया जा रहा है जिस कारण मुलाजमान तनखा कमीशन के नाल कोई भी फायदा जड़ा है वह हुंदा होया नहीं नज़र आ रहा। साढ़े को प्रोटेस्ट सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने साडा पे कमीशन लागू करना सीगा वो सही ढंग लागू नहीं किया है ना ही साढ़े कोई पत्ते आ ना ही कोई साड़ी जी रैगुलर पेंशन दी है इन्हों ने ना ही कोई रैगुलर भर्ती की गई हैगी। असी सब तो पहली गल तो यही है सरकार को असी इतों चेतावनी देना चाहते हैं भी आपका जोड़ा है पक्षपात का जोड़ा रवैये ने अपनाया होया उन्होंने सुधार लवे नहीं तो जोड़ा इनू नतीजा आने वाले इलैक्शन भुगतना पेगा तो जोड़ा आने वाला जोड़ा सारा संघर्ष है वो वर्ग जी अगली रूपरेखा हैगी है साड़ी और जो साड़ी स्टेट बॉडी सानू हुक्म करेगी पी एस एम मीटिंग असं उसको सिरे इन बिन लागू करा उस सिरे चढ़ावे। जलंधर के कस्बा फिलौर के लगातार ही लुट खो और चोरी दियां वारदातां सामने आ रही हैं जिसके चलदियां फिलौर के निवासियों वालों डीसीपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस तो बाद पुलिस प्रशासन वालों मुहिम चलाई गई जिसके चलदियां चोरी दियां वारदातों नूं अंजाम देने वाले पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फड़े गए दोषियों की पहचान कमलनाथ अमरजीत इकबाल सिंह लखविंदर सिंह महेंद्र सिंह वजो हुई है। मानयोग श्री सतेंद्र सिंह आई पी एस सीनियर कप्तान पुलिस जलंधर देहाती श्री हरलीन सिंह डी एस पी फिलौर सब डी एम जी की हदायतों मुताबिक लुटा खोह से चोरी करने वालों के खिलाफ मुहिम के थाना फिलौर पुलिस को सुलह सफलता हासिल हुई है जो कि मुकदमा नंबर 290 मिति 22/10/2021 अधीन धारा 379 बी आई पी सी का दर्ज रजिस्टर से उक्त मुकदमे मुताबिक मुदई पासों तीन दोषियों ने दफ्तर की नोक से बकापुर फाटक से खो की थी जो उपरोक्त मुकदमे के दो दोषी कमलनाथ पुत्र शोभाकांत वासी नंगल और अमरजीत पुत्र बूटाराम वासी तलवन जो कि बिलगा का रहने वाला गिरफ्तार किया एक दोषी मोनू जो कि तलवन का रहने वाला है जो कि भजाया। उपरोक्त मुकदमे वरत्या मोटरसाइकिल जो खो गए पैसे जिस शार्प एज वैपन के नाल चोरी स्नैचिंग की बरामद हो गया। चोरी के खिलाफ मुहिम के एक मुकदमा होर दर्ज रजिस्टर किया गया 292/26/21 अधीन धारा 379 आई पी सी। उपरोक्त मुकदमे मुताबिक दोषियों ने मुदई का मोटरसाइकिल कचहरी चोरी किया जो उपरोक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर उपरांत इकबाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी थाना बिलगा लखविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वासी थाना बिलगा ते गुरदीप सिंह पुत्र सलविंदर सिंह वासा पिंड तलवन नूं मुकदमा दर्ज गिरफ्तार किया। उस पासों चोरी किया मोटरसाइकिल भी बरामद होया अते दौराने तफ्तीश एक होर एक्टिवा जो उस नाल उन्होंने चोरी की थी वह भी बरामद हुई। गाजीपुर सरहद तो बैरीकेड हटाने बारे कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ने कहा कि हुण सिर्फ दिखावे वाले बैरीकेड हटाए गए हैं जल्दी ही तिने खेती विरोधी कानूनों नूं भी हटा दिता जाएगा। दस दईए कि खेती कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों तो बंद सड़कों हुण जल्दी ही खोलिया जाएगा। टिकरी बार्डर तो बाद हुण दिल्ली पुलिस गाजीपुर बार्डर तो बैरीकेड हटाने का काम कर रही है। 11 महीनों तो टिकरी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर ते उम्मीद की एक किरण नज़र आई है आम लोगों के लिए सरहद लई रस्ता खोलिया जा रहा है। इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही मैनू दिओ इजाजत धन्यवाद। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी।
यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।